Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Makeup by Noreen Najmul, and this is me Noreen Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic, a skin specialist. तो आज हम बात कर रहे हैं अर्गन ऑयल शैम्पू के बारे में, जो कि एक नरिशिंग ट्रीटमेंट है. और यहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको डिस्प्ले की जाएगी और उसके रिव्यूज़ भी आपको दिए जाएंगे, उसके बिल्कुल ट्रू रिव्यूज़ आपको दिए जाएंगे कि ये हेयर ट्रीटमेंट कैसा है. और 1 वीक तक मैंने ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया और उसके बाद ये वीडियो बनाई है. सो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप एंड ऑयल नजमुल. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस 10 kg पार्सल के साथ, जो कि मुझे भेजा है एज अ गिफ्ट, अर्गन ऑयल थेरेपी. ये है हेयर थेरेपी, कम्प्लीट हेयर थेरेपी है इसके अंदर. इन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट फॉर रिव्यूज़ भेजा है, फॉर ट्रू रिव्यूज़ भेजा है, क्योंकि मैं कभी भी गलत रिव्यूज़ जो है वो नहीं देती. तो ये है अर्गन ऑयल हेयर थेरेपी, मोरक्कन ऑयल थेरेपी. मोरक्कन ऑयल थेरेपी यहाँ पे पाकिस्तान में, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कंपनी जो कि इम्पोर्ट कर रही है डायरेक्टली फ्रॉम कैनेडा. और ये फिनिश्ड फॉर्म के अंदर इम्पोर्ट कर रही है, ना यहाँ पे इसकी पैकेजिंग हो रही है और ना ही यहाँ पे इसकी किसी भी तरीके की कोई भी फिलिंग वगैरह हो रही है. ये फिनिश्ड फॉर्म के अंदर फ्रॉम कैनेडा इम्पोर्ट किया जा रहा है. और ये इन्होंने मुझे कंप्लीट थेरेपी सेंड की है, हेयर थेरेपी, और इसका नाम है अर्गन ऑयल मोरक्कन हेयर थेरेपी. और ये है ऑयल थेरेपी, और मुझे भी नहीं पता अभी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. अभी मैं आप लोगों के सामने ही इस पैकेट को खोलूँगी, इस कार्गो को खोलने वाली हूँ. एंड इट्स अबाउट 10 kg, तो अभी हम इसको खोलते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं. मैं भी फर्स्ट टाइम इसको खोलने जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं भी इसको देख रही हूँ. बट आफ्टर 1 वीक आई विल गिव माई ट्रू रिव्यूज़ अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मैं 1 वीक तक इसको यूज़ करूँगी एंड देन फिर उसके बाद फिर हम इसके ट्रू रिव्यूज़ देंगे. तो लेट्स ओपन दिस पैक. सो मैंने इसको अनपैक कर लिया है, मैंने इसको खोल लिया है, इसका पैकेट खुल चुका है, आप उनके सामने हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक मुझे भी ये बात नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या मुझे एज अ गिफ्ट मिल गया है फ्रॉम अर्गन ऑयल मोरक्कन अर्गन ऑयल थेरेपी. और आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो मुझे चीज़ें भेजी हैं वो इतनी सारी चीज़ें हैं, और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इसकी क्या अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. तो सबसे पहले जो मैंने इनके बॉक्स में से चीज़ निकाली है वो है इनकी ये बुकलेट, जिसके अंदर इनके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सारे प्रोडक्ट्स की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है. इनका जो प्रोडक्ट का नाम है वो है अर्गन ड्यूलेक्स प्रोफेशनल, और इनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें ये सारी इसकी डिटेल है, अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन से बालों के लिए कौन सा शैम्पू, कौन सा हेयर मास्क है और कौन से कंडीशनर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं. सो इस वक्त मेरे सामने इनकी तमाम रेंज मौजूद है, जो है अर्गन ऑयल शैम्पू रेंज इस वक्त मेरे सामने सारी मौजूद है. इनकी सारे हेयर मास्क और हेयर क्रीम्स और जो भी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी हैं इस 10 kg पार्सल के अंदर, वो तमाम चीज़ें मैंने इस वक्त आपके सामने रख दी हैं. और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किस तरीके से करने की है. सबसे पहले हम आते हैं इनके शैम्पू के ऊपर, जो कि इनका शैम्पू है एक्सट्रीम स्मूथ ट्रीटमेंट ग्लॉसिंग फ्रीजी हेयर के लिए. ये है इनका शैम्पू जो कि है एक्सट्रीम स्मूथ, उन बालों के लिए जो फ्रीजी हेयर होते हैं और जो टूटते बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं. तो ये ऐसे बालों के लिए है जो फ्रीजी हेयर्स होते हैं, फ्रीजी लाइक आपके बाल जो मैनेजेबल नहीं होते और जिगजैग पोजीशन के अंदर बाल होते हैं और थोड़े ड्राई हेयर्स होते हैं, उसके लिए एक्सट्रीम स्मूथ शैम्पू इनका अवेलेबल है, और इसके साथ साथ इनका कंडीशनर भी अवेलेबल है. नेक्स्ट हम आते हैं इनके शैम्पू दूसरे शैम्पू के ऊपर, और जो है इनका प्रीमियम जलिया रियल ड्यूलेक्स शैम्पू, जो कि है इनका फॉर ऑल हेयर टाइप्स के लिए, जो आप नॉर्मली डेली यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, डेली वॉश के लिए आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं,
और इसके रिजल्ट्स भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ये एक हर्बल शैम्पू है, प्लस एक तो ये हर्बल शैम्पू है, दूसरा इसके अंदर अर्गन ऑयल मौजूद है, तो ये आई थिंक बहुत ही बेस्ट शैम्पू है आप लोगों के लिए नॉर्मल यूज करने के लिए, आप लोगों की नॉर्मल फॉर ऑल हेयर टाइप्स के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो ग्रीसी हेयर्स हो, चाहे फ्रीजी हेयर्स हो, चाहे वो ड्राई हेयर हो, चाहे वो डैमेज हेयर हो, सबके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कैरेटिन प्रीमियम शैम्पू के लिए, बट ये सबसे अच्छा बेहतरीन उनके लिए जो कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं वो लोग भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा बालों का जो मॉलिक्यूल होता है, बालों का जो सेल्स होता है उसका नाम होता है कैरेटिन, तो बालों के सेल्स को जब हम कैरेटिन कहते हैं तो सेल्स का जो खाना होता है उसको भी हम कैरेटिन ही कहते हैं, तो ये कैरेटिन खानों का आपके जो सेल्स हैं बालों के उसका खाना है और ये बहुत बेहतरीन शैम्पू है। इन्होंने मुझे भेजा है इसका शैम्पू प्लस कैरेटिन कंडीशनर, जो कि इसका कंडीशनर भी मौजूद है, इन्होंने मुझे कंडीशनर भी भेजा और इसके साथ साथ इन्होंने मुझे कैरेटिन लीव इन क्रीम भी भेजी है, जो कि आपके हेयर वॉश करने के बाद हम थोड़ी सी क्रीम लेके और अपने बालों के अंदर लगाते हैं ताकि आपके बालों में कैरेटिन मौजूद हो, और जितना अच्छा कैरेटिन आपके बालों का होगा उतनी अच्छी हेल्थ आपके बालों की होगी। तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है, इनके कैरेटिन रेंज बहुत अच्छी है, प्लस इन्होंने मुझे भेजा है कैरेटिन हेयर मास्क, जो कि यूज़ करते हैं कंडीशनर की रिप्लेसमेंट पे, आप कभी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको किसी पार्टी में जाना हो और आपको स्ट्रेटन लुक चाहिए हो और कैरेटिन ट्रीटमेंट आपने करवाया हुआ हो, पहली चीज़ तो जो लोग कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, जो लोग रिबॉन्डिंग कराते हैं और उनके बाल डैमेज हो जाते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि इसके अंदर कैरेटिन है, ये आपके बालों को वापस से रिपेयर करेगा। सो दिस इज़ वेरी नाइस, और यही छोटे पैक के अंदर भी इनका ये शैम्पू मौजूद है, जो कि है कैरेटिन शैम्पू, जो कि आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप इतनी बड़ी बॉटल जो है वो लेके नहीं जा सकते, आपके लिए कैरी करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये आप छोटा वाला जो इनका साशे पैक है ये भी लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं हेयर लॉस कंडीशनर और शैम्पू पे। ये इनका हेयर लॉस कंडीशनर शैम्पू है और ये इनका हेयर लॉस कंडीशनर है। हेयर लॉस कंडीशनर जो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ये नॉर्मली एक बात है कि जिनका हेयर फॉल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, ये उनके लिए है और यही इसका कंडीशनर है, तो ये आपके बालों को रिपेयर भी करेगा और आप लोगों के बालों को रीग्रो भी करेगा। सेकंड हम आते हैं इन्फ्यूजिंग मास्क पे, जो कि आपके बालों को इन्फ्यूज करेगा वापस से, आपके बालों की जो हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को अच्छी नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ वेरी नाइस, और उसके बाद हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो है वो हम आते हैं इनके शैम्पू पे, जो कि है 30 ml शैम्पू एक्सट्रीम सॉफ्ट फॉर सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर। सो ऐसी तमाम लड़कियां जो रोज़ाना आयरन करती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, अपने बालों को आयरन करती हैं या फिर रोलर्स डालती हैं, या वो लड़कियाँ जो कि मीडिया पर्सन हैं जिनको रोज़ाना अपने बालों को जो है वो ट्रीट करना होता है, रोज़ाना बालों के हेयर स्टाइलिंग करानी होती है, मूस यूज करने होते हैं और हीट देनी होती है बालों को किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो रोलर्स हो, चाहे वो हॉट रोलर्स हो, इस तरीके के तमाम ही लड़कियां और लड़के जो कि स्प्रेज यूज कर करके अपने बालों को ख़राब कर चुके हैं, आयरन कर करके अपने बालों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म कर चुके हैं, प्रोटीन ख़त्म कर चुके हैं, अपने बालों का जो नेचुरल उनका हाइड्रेशन होती है वो ख़त्म कर चुके हैं अपने बालों में से, और वो डेड बाल हो चुके हैं उनके, उनके लिए सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू हाइड्रेशन प्लस बहुत अच्छा है। तो ये अभी तक मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन इनकी जो पूरी इन्होंने जो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसके मुताबिक ये शैम्पू और ये ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं अर्गन ऑयल नरिशिंग शैम्पू के ऊपर। ये अर्गन ऑयल नरिशिंग शैम्पू है जो कि आपके बालों को करेगा नरिश, जिनके बाल डेड हैं या नॉर्मल हेयर हैं, फ्रीजी हेयर हैं, या धूप में जाने से उनका प्रोटीन लॉस हो चुका है, सनलाइट सन एक्सपोजर जिनका बहुत ज़्यादा है और उनके बाल बहुत डेड हो गए। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके बाल पहले बहुत ज़्यादा शाइनी थे लेकिन अब उनके बाल बिल्कुल डेड हो चुके हैं बिकॉज उनका जो सन एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर वो चूल्हे के सामने बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके बालों को हीट बहुत ज़्यादा लगती है, तो उन
पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए और ऐसे मेरे फॉलोवर्स और फैंस के लिए ये अर्गन ऑयल नरिशिंग शैम्पू बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर अर्गन ऑयल मौजूद है और अर्गन ऑयल जो है वो मोरक्कन ऑयल है और मोरक्कन ऑयल ट्रीटमेंट पाकिस्तान में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है जो कि कनाडा से इम्पोर्ट करें डायरेक्टली फिनिश्ड फॉर्म के अंदर, क्योंकि ऐसी पैकिंग पाकिस्तान में होना पॉसिबल नहीं है। तो ये फिनिश फॉर्म के अंदर आ रही है, इवन ये अपनी जो पैकिंग है वो भी नहीं कर रहे, यहाँ पर रिफिल भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिनिश फॉर्म के अंदर कनाडा से डायरेक्टली इंपोर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है जो कि मुझे एक्सप्लेनेशन से पता लग रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटिंग फील कर रही हूँ, एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। और ये अर्गन ऑयल नरिशिंग कंडीशनर भी इसका मौजूद है, तो इन्होंने मुझे हर चीज़ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके सामने रखी हुई वो सारी कंप्लीट रेंज में सेंड की है। इन्होंने नॉर्मल शैम्पूज भी मुझे सेंड किए हैं जो डेली शैम्पूज हैं, इन्होंने कैरेटिन की पूरी ट्रीटमेंट मुझे सेंड की है, कैरेटिन मास्क भी है उसके अंदर, कंडीशनर भी है, शैम्पू भी है और क्रीम भी है, और इसमें छोटा वाला जो है वो बैग में कैरी करने के लिए शैम्पू भी है, और सारी चीज़ें इन्होंने मुझे कंप्लीट रेंज सेंड की है जो कि कंप्लीट रेंज मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन है इनकी अर्गन ऑयल मोरक्कन हेयर थेरेपी वालों की। और ये लाहौर बेस्ड है, इस वक्त ये लाहौर में इंपोर्ट किया जा रहा है कनाडा से, डायरेक्टली फ्रॉम कनाडा ये लाहौर में एक कंपनी इंपोर्ट कर रही है, अर्गन ऑयल कंपनी, उन्होंने इंपोर्ट किया है हमारे लोकल लोगों के लिए ताकि उनको भी वो सारे बेनिफिट्स मिल सकें जो कि बाहर के लोग बेनिफिट ले रहे हैं इन सब प्रोडक्ट्स से। सो आप लोग जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके अपने रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, मैं भी अपने रिव्यूज़ दूंगी आफ्टर अ वीक, मैं यूज़ करूँगी पूरे हफ्ते इसकी सारी ट्रीटमेंट मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो मैं कैरेटिन प्लस जो ट्रीटमेंट है इनकी वो मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि कैरेटिन बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बींग ए स्किन स्पेशलिस्ट, मैं जब भी ऐसा कोई मेरे पास पेशेंट आता है जिसके बाल डेड हो चुके होते हैं उनको मैं ऐसे शैम्पूज ऐसी ट्रीटमेंट देती हूँ, ऐसी ट्रीटमेंट उनको गाइड करती हूँ जिसके अंदर कैरेटिन ज़रूर इंक्लूडेड हो क्योंकि बालों के लिए कैरेटिन बहुत मस्ट है। तो यहाँ पे इस वक्त मुझे इन्होंने जो है वो ये एज अ गिफ्ट पूरी कैरेटिन ट्रीटमेंट ही भिजवा दी है, तो दिस इज़ वेरी नाइस, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट भिजवाई है और मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं कैरेटिन ट्रीटमेंट ही यूज़ करके देखूँगी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है और इसके रिव्यूज़ में दूंगी आपको एक हफ्ते के बाद इसी वीडियो के अंदर। तो एंड तक ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड थैंक यू सो मच अभी तक की मेरी वीडियोज़ देखने के लिए और जो मेरी बाकी की जितनी वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ मौजूद रहिएगा एक हफ्ते के बाद वाले रिव्यूज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप बाय नौरीन नजमुल एंड दिस इज मी नौरीन नजमुल हुसैन फ्रॉम नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ अर्गन ऑयल ट्रीटमेंट की रिव्यूज देने के लिए जिसके लिए मैंने आपसे 1 वीक का टाइम मांगा था। अभी आपने पहले वीडियो के अंदर ये देखा कि मैंने इसको अनपैक किया, अनपैक करने के बाद इसमें से चीज़ें निकाली और चीज़ें निकालने के बाद मैंने आप लोगों को डिस्प्ले करके बताया कि इसके अंदर हमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। आज जो है वो मैं इसके रिव्यूज़ देने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये यूज़ करते हुए 1 वीक हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि मोर देन अ वीक हो चुका है क्योंकि मैं इसको अच्छे तरीके से यूज़ करके रिव्यूज़ देना चाहती थी कि ये प्रोडक्ट कैसा है। ये डायरेक्टली कनाडा से इंपोर्ट किया जा रहा है, लाहौर की एक कंपनी है जो कि ये डायरेक्टली फिनिश फॉर्म के अंदर इंपोर्ट कर रही है कनाडा से इन अ फिनिश्ड फॉर्म, और ये बहुत बेहतरीन शैम्पू है, इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो बहुत बेहतरीन है। आज जो मैंने इनका शैम्पू यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक अपने बालों को ब्रश नहीं किया है और मैंने नहाने के बाद बाल ऐसे ही छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे टाइम ही मिल सका अपने बालों को ब्रश करने का, और मैंने सोचा कि मैं अपने बालों को ब्रश किए बगैर ये वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया हो सके कि यूज़ करने के बाद आपको ब्रश करने की नीड है नहीं है, और अगर आप जल्दी में कहीं चले जाते हैं तो आपके बालों का लुक कैसा आएगा, आपको जो है वो कॉम करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ नेचुरल शैम्पू, इट्स ऑर्गेनिक शैम्पू। और मैंने जो आज इनका शैम्पू यूज़ किया था वो है अर्गन ऑयल नरिशिंग शैम्पू, और जो मैंने इसका मास्क यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है अर्गन ऑयल नरिशिंग इन्फ्यूजिंग मास्क,
ये दो चीज़ें आज मैंने इनकी इस्तेमाल की हैं, लेकिन मैंने मास्क बहुत ही कम इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे लग रहा था जब मैंने शैम्पू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मास्क यूज़ करने की इतनी कोई ख़ास नीड नहीं नज़र आ रही। और एक वीक से क्योंकि मैं ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रही हूँ इनका, एक वीक तक मैंने इनकी जो शैम्पूज़ हैं वो ट्राई किए, कभी मैंने कंडीशनर किया और कभी मैंने कंडीशनर नहीं किया। तो इनके शैम्पूज़ यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कंडीशनर या मास्क इम्पॉर्टेंटली यूज़ करना चाहिए। और ये डेली बेस शैम्पू है। आज जो मैंने इनका नरिशिंग शैम्पू यूज़ किया है, दिस वन, ये जो मैंने यूज़ किया है आज इनका ये वाला शैम्पू यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा नरिश्ड लग रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरे बाल जो है वो। आप लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि मैंने कंडिशनर यूज़ नहीं किया और मास्क भी बहुत ही कम इस्तेमाल किया है और शैम्पू से ही बाल जो है वो बहुत ज़्यादा नरिश्ड हो गए। तो ये वाला शैम्पू यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जो है कंडीशनर की नीड है। तो मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए और रिव्यूज़ देने के लिए इनका हेयर मास्क यूज़ किया, जबकि इतनी कोई ख़ास मुझे नीड नज़र आ नहीं रही थी, बल्कि इतनी ख़ास नहीं, मुझे 1% भी नीड नज़र नहीं आ रही थी, बट फॉर दिस वीडियो मैंने मास्क यूज़ किया। सो अभी मैंने अपने बालों को ब्रश नहीं किया हुआ, मेरे बाल गीले थे जब सूख गए, तो फिर मैंने ये वीडियो ऐसे ही बनाई है। और आप लोग देख सकते हैं कि बिना ब्रश किए जो है वो कितनी शाइन है बालों में। इवन मैं अपने बालों को जो है वो अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, फिंगर कॉम कर रही हूँ, तब भी मेरे बाल जो है बहुत सिल्की हैं और बहुत नरिशिंग आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल भी डैमेज नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैंने शैम्पू करने के बाद कॉम्ब नहीं किया, मतलब कि अगर मुझे जल्दी जल्दी में कहीं जाना है तब भी मैं ये शैम्पू करने के बाद गीले बालों में जा सकती हूँ, मुझे ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिंगर कॉम्ब कर सकते हैं। तो फिंगर कॉम्ब करने के लिए ये वाला शैम्पू बेहतरीन है। और मैं जो इसको नंबर्स दूंगी 100 में से, वो आउट ऑफ 100 दूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये शैम्पू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। उसकी वजह ये है कि एक तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया वीडियो के अंदर, जो इसकी फुल वीडियो है, जिसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है अपने यूट्यूब के पेज के ऊपर मैंने अपलोड की है। सो उसमें जो है वो इसके कंप्लीट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जो केमिकल्स यूज़ किए हैं, ओमेगा 3 9 फैटी एसिड्स और कैरेटिन, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर आप लोगों को कंप्लीटली इन डिटेल बताई है। तो उस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट इसकी डिटेल मिलेगी। तो ऐसे ऑयल बेस्ड शैम्पूस, ऐसे ओमेगा 3 वाले शैम्पूस, ऐसे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, मल्टी विटामिन शैम्पू आप लोगों को डेली बेस यूज़ करने को मिले तो उससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। सो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। इसको मैं नंबर दे रही हूँ 100 out of 100, और ये बेहतरीन है। इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो सब बेहतरीन है। सो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में। मैंने इसका कैरेटिन शैम्पू, कैरेटिन कंप्लीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया, कैरेटिन मास्क इस्तेमाल किया, कैरेटिन शैम्पू इस्तेमाल किया, कैरेटिन कंडीशनर यूज़ किया, और मुझे एक इवेंट में जाना था तो मैंने सोचा कि इतना सब इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं तो मैं ये शैम्पू यूज़ करके देखूँ कि ये ऐसा ही है या फिर ऐसा नहीं है, या फिर बस एडवर्टाइजमेंट के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। तो यकीन मानें कि एडवर्टाइजमेंट के लिए सब कुछ नहीं लिखा हुआ था, इतने स्मूथ बाल हो गए मेरे, और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने रिबॉन्डिंग की भी है। ऐसी पेशेंट्स या ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के जो कि डेली अपने बालों को आयरन करते हैं, अपने बालों का प्रोटीन लॉस करते हैं, वो जो एक फ्यूम निकलता है, वो जो एक धुआं निकलता है जब आप आयरन कर रहे होते हैं, तो वो आपका नेचुरल प्रोटीन होता है, नेचुरल कैरेटिन आपके बालों में से निकल रहा होता है। तो ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, लड़के लड़कियां जितने भी हैं जो कि स्प्रेज यूज़ करते हैं, अपने बालों को डैमेज करते हैं डेली केमिकल्स यूज़ करके, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो मीडिया पर्सन नहीं हो, जॉब करते हो या फिर बाहर एक्सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, तो उनके लिए नरिशिंग शैम्पू इसका इन्फ्यूजिंग मास्क बहुत बेहतरीन है। ऐसे जिन्होंने रिबॉन्डिंग करवाई हुई है और डेली जो है वो आयरन करते हैं, उनके लिए इसका कंप्लीट कैरेटिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग जिनके बाल सन एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और शाइन नहीं है, तो उनके लिए स्मूथ एंड सॉफ्ट शैम्पू और इसके साथ इसका जो ये कंडीशनर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने यूज़ करके देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस वक्त जो है वो मैंने जो शैम्पू यूज़ किया है आज, वो इनका नरिशिंग शैम्पू यूज़ किया, जो कि डेली बेस्ड शैम्पू है, और डेली बेस्ड शैम्पू बहुत लाइट शैम्पू है इनका।
नॉर्मली जो लाइट शैम्पूज होते हैं वो बहुत बालों को ड्राई कर देते हैं, रफ कर देते हैं, और आपको कॉम्ब करना पड़ता है, इवन आपको आयरन भी करना पड़ता है कभी कभी. और डेली बेस आपने जो शैम्पू इस्तेमाल करने पड़ते हैं वो शैम्पू इस्तेमाल करके आप किसी इवेंट को अटेंड नहीं कर सकते. बट इनके शैम्पू की नरिशिंग, शैम्पू की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये यूज़ करने के बाद अभी तक मैंने कॉम्ब नहीं किया, मैंने ब्रशिंग नहीं की है, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, मैं कोई इवेंट भी अटेंड कर सकती हूँ. और ये डेली बेस शैम्पू है, लाइट शैम्पू है. सो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शैम्पू और इनके प्रोडक्ट्स की बात है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और नरिशिंग प्रोडक्ट्स हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि आपको शैम्पू जब आप करेंगे तो आपको अपने बाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बाल मेरे शाइन कर रहे हैं बहुत अच्छे वाले अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसके जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि इसको यूज़ करने के बाद ये लाइट शैम्पू है, बट आपके बाल रफ नहीं होंगे, आप आराम से जो है वो इवेंट अटेंड कर सकते हैं और आप पूरे दिन भी आपके बाल जो है फ्रेश लुक लगेंगे. क्योंकि आज मैंने शैम्पू किया था सुबह 2 बजे और अभी रात के 2 बजे हैं, तो 12 आवर्स के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी तक जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी शैम्पू करके ड्राई किया हो. और डैमेज नहीं हुए, सिल्की है, शाइनी है, ग्लॉसी है. इनके सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लॉसीनेस बहुत कॉमन प्रोडक्ट एक इंग्रेडिएंट डाला गया है ग्लॉसीनेस का, जिसकी वजह से आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं लेकिन डैमेज नहीं होते, सबसे बेहतरीन बात यह. कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अच्छी पैकेजिंग मिले, अच्छी पैकेजिंग के अंदर क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, एफिशिएंसी अच्छी हो. तो इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग है. और मैं ये दोबारा रीऑर्डर करूँगी और रीऑर्डर करके ज़रूर मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये एक हफ्ते के अंदर जो मैंने इनका पूरा ट्रीटमेंट प्लान यूज़ किया, ये एक वीक के अंदर मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा. और मैंने इसकी पिक्चर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड की थी, तो वहाँ पे एक सब्सक्राइबर मेरी एक फॉलोवर हैं जो कि मेरी कज़न भी हैं मैविश, उन्होंने भी इसके रिव्यूज़ शेयर किए कि वो इसका वॉल्यूम दुबई में यूज़ कर रही हैं विद ब्लीच और एनीथिंग अपने बालों के लिए वो यूज़ कर रही हैं इसका वॉल्यूम, तो वो भी बहुत बेहतरीन है. उन्होंने भी रिव्यूज़ दिए इसके बारे में कि ये बहुत अच्छा है, और मैं 100 out of 100 इसको मार्क्स दूंगी क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है. लाइट शैम्पू है, डेली बेस्ड शैम्पू है, लेकिन बिल्कुल भी इसकी जो ये यूज़ करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि ये लाइट शैम्पू है या डेली बेस्ड शैम्पू है, क्योंकि नॉर्मली जो हम डेली बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं वो ड्राई और डैमेज कर देता है आपके बालों को, लेकिन ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रहा. लाइक ये आप यूज़ करने के बाद बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कंडीशनर के, बिना किसी मास्क के आप किसी इवेंट को भी अटेंड कर सकते हैं इजीली और बिना कॉम्ब किए, क्योंकि मैंने अभी तक कॉम्ब ब्रश नहीं किया हुआ. आप लोगों के सामने इसके रिजल्ट्स हैं. तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है. इसकी मैंने कैरेटिन ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया, इनका सॉफ्ट एंड स्मूथ ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया, इसका नरिशिंग ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया एक हफ्ते में, और मैंने इसका हेयर फॉल शैम्पू भी इस्तेमाल किया जो कि बहुत बेहतरीन है. आप लोग यूज़ कर सकते हैं. यूज़ करके मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आप लोगों को ये शैम्पू कैसा लगा. और कराची में ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाहौर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है सारे ही लीडिंग स्टोर्स के ऊपर, तो वहाँ जाके आप ख़रीद सकते हैं. और कराची वालों के लिए मैं ये अनाउंस कर देती हूँ कि मैं इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो इस कंपनी के सप्लायर का नंबर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उनको व्हाट्सएप करके प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और मंगवा के यूज़ कर सकते हैं. और दूसरी अच्छी जो खबर आप लोगों के लिए है, जो कराची वालों के लिए भी है, लाहौर वालों के लिए भी है, और इस्लामाबाद वालों के लिए भी है, इवन ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि ये ट्रीटमेंट प्लान यूज़ करेंगे, अर्गन ऑयल नरिशिंग शैम्पू यूज़ करेंगे, इनका प्लान यूज़ करेंगे कम्प्लीट, उनके लिए रिव्यूज़ शेयर करने पर और कॉमेंट सेक्शन के अंदर 15 लोगों को मिनिमम आप लोग टैग करेंगे, वीडियो शेयर कराएंगे, लाइक कराएंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, यूट्यूब के चैनल को जो जिसका नाम है मेकअप बाय नौरीन नजमुल. शेयर करने पे, सब्सक्राइब करने पे, कमेंट करने पे और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करने पे, और फॉलो करने के बाद मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जो इसकी पिक्चर अपलोड हुई हुई है या ये वीडियो अपलोड होगी उन दोनों के ऊपर ही आपने 15 लोगों को टैग करना है, और टैग करने के बाद आपने डन लिख के सेंड कर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप लोगों को मिलेगा अर्गन ऑयल नरिशिंग शैम्पू की तरफ से और नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा हेयर ट्रीटमेंट प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट.
तो ये हम दे रहे हैं आपको गिफ्ट नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक की तरफ से, और गिफ्ट को हासिल करने के लिए शुरू हो जाए जल्दी जल्दी, टैग करें लोगों को, कमेंट करें, शेयर कराएं वीडियो, कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन के अंदर 15 लोगों को अपने फ्रेंड्स और फॉलोवर्स को ज़रूर टैग करें हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर। यूट्यूब पे भी आप टैग कर सकते हैं, रिव्यूज़ दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरी बहुत सारी वीडियोस और भी अपलोड हैं इस चैनल के ऊपर, उसको भी आप शेयर कराएं, कमेंट करें और लाइक करें। लेकिन इस वीडियो को शेयर कराने पे, कमेंट करने पे, लाइक करने पे और 15 लोगों को टैग करने पे आप लोगों को मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गिफ्ट, जो कि होगा अर्गन ऑयल नरिशिंग शैम्पू की तरफ से और नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक की तरफ से आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मैं बहुत थक गई हूँ अब, सो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। आप लोग भी सो जाएं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।